बॉलीवुड के एक्टर अध्ययन सुमन, जिन्होंने 2008 में आई फिल्म हाले दिल से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए अजय देवगन ने अध्ययन को रिकमेंड किया था, लेकिन अध्ययन की इस डेब्यू फिल्म को उनके पिता शेखर सुमन ने ना करने की सलाह दी थी। शेखर ने अध्ययन को कहा था कि यह उनके लिए सही फिल्म नहीं है। हालांकि अध्ययन ने अपने पिता की बात नहीं मानी और इस फिल्म से अपना डेब्यू कर लिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अध्ययन ने इस बात का खुलासा हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में किया है। अध्ययन ने कहा है कि उन्हें उनकी पहली फिल्म अजय देवगन की वजह से मिली। अजय ने अध्ययन को एक ब्यूटी सैलून में देखा था और उन्होंने जाकर कुमार मंगत पाठक को अध्ययन को रिकमेंड किया, जो कि अपनी फिल्म हाले दिल में एक लड़के की तलाश कर रहे थे। अध्ययन को इस फिल्म के लिए 3 महीने तक ऑडिशन देना पड़ा था। हालांकि शेखर सुमन को अध्ययन की यह डेब्यू फिल्म पसंद नहीं आई और अपने बेटे को इस फिल्म को ना करने के लिए कहा। अध्ययन ने बताया कि मेरे पिता ने मुझसे कहा, मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारा सही ब्रेक है, ये सही रोल नहीं है, ये मत करो, लेकिन अगर तुम इसे करते हो तो आज और अब से एक बात याद रखना, मेरे पास रोते हुए मत आना, क्योंकि सारे फैसले तुम्हारे ही होने वाले हैं। अध्ययन ने आगे कहा कि उनके पिता की बात सही निकली। फिल्म में अध्ययन के सिर्फ 5 ही सीन थे, जिसके बारे में उन्होंने अपने पिता को बताया। इस पर शेखर ने अध्ययन को जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि यह फिल्म तुम्हारे लिए उचित नहीं है, हालांकि अब तुमने इस फिल्म को साइन कर लिया है तो इस फिल्म को करो, वरना तुम्हारी वजह से प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। इसके बाद यह फिल्म अध्ययन को करनी पड़ी। यह फिल्म क्रिटिक्स को पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।